हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेरी ज्वाइंट के एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हमारा थ्रेड ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट जो थ्रेड ज्वाइंट का जो टॉपिक है ये हमारा इंपॉर्टेंट रखा है हमारे डिप्लोमा के लिए, हमारे जे एग्जाम के लिए या फिर हमारे गेट एग्जाम के लिए। तो इसके हमारे एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रखे हुए आते हैं। तो थ्रेड ज्वाइंट होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हो, ये कितने प्रकार का होता है वो भी हम जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो थ्रेड ज्वाइंट के हमारे मेनली जो होते हैं तीन टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा नट होता है, नट एंड दूसरा जो होता है वो हमारा बोल्ट होता है, और जो तीसरा होता है वो होता हमारा स्क्रू, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नट क्या होता है। तो नट जो हमारा, पहले अगर हम नट का देखें तो नट में हमारे इंटरनल थ्रेडें कटी होती हैं जो कि हमारे बनाई जाती हैं टैपिंग से, जैसा कि डायग्राम आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं बगल में। तो टैप का प्रोसेस हमारा जो काफ़ी सारे इसके मानक होते हैं उस हिसाब से हमारे किस साइज का टैप बनाना है, किस साइज के नट की रिक्वायर है, उस हिसाब से हम टैप का यूज करते हैं। इसी तरह जब हम बोल्ट लेते हैं तो बोल्ट को हम डाई के थ्रू बनाते हैं, बोल्ट को हम यहाँ पे डाई के थ्रू बनाते हैं यहाँ पे, और स्क्रू को भी हम डाई के थ्रू ही बनाते हैं जिसपे कि हमारे एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं, ठीक है। अगर हम इसका स्क्रू पार्ट लेंगे तो इसको भी हम डाई के थ्रू बनाते हैं, और इन दोनों पे ही हमारे एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेडिंग होती है, ठीक है। जो नट में होता है वो उसमें हमारा इंटरनल थ्रेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं, तब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में, टाइप ऑफ थ्रेड। थ्रेड के हमारे तीन टाइप होते हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने और हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला टाइप इसका कहलाता है वी थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इसका हमारा कहलाता है स्क्वायर थ्रेड, और जो उसका अगला टाइप होता है उसको हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडेड थ्रेड, ट्रेपेजॉइडेड थ्रेड, ठीक है। इनके डायग्राम कैसे होते हैं, तो वी थ्रेड हमारा कुछ इस हिसाब से होगा, तो कुछ इस टाइप का हमारा वी थ्रेड होगा जो कि हमारे बोल्ट पे बना होगा, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड जो होते हैं ये किस टाइप का हो सकता है, तो ये हमारा 90 एंगल पे होते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरह अब हम ट्रेपेजॉइडेड थ्रेड की बात करें तो ये हमारे गियर टीथ की तरह होते हैं इस टाइप के, ट्रेपेजॉइडेड थ्रेड का जो हमारा एंगल होता है, इंक्लाइड एंगल होता है वो हमारा 30 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये एंगल हमारा 29 डिग्री हो जाए तब हम इसको ट्रेपेजॉइडेड थ्रेड ना कह के हम इसको कहते हैं एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड, ठीक है। तो कुछ थ्रेडों के हम यहाँ पे नाम बताने वाले हैं जिसके हमारे एंगल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ वी टाइप थ्रेडों के नाम लिख रखे हैं, ये हमारे सब वी टाइप थ्रेड हैं, जिसकी कुछ मानक वैल्यू दे रखी है हमारे जो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ,
इसका हमारा BSW का थ्रेड, हमारा जो एंगल होता है वो पूछा जाता है, थ्रेड एंगल तो 55 डिग्री है। ब्रिटिश एसोसिएशन BA जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका एंगल हमारा 47.5 डिग्री होता है। इसी तरह हमारा मैट्रिक का एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ANS का हमारा 60 डिग्री होता है, एंड हमारा यूनिफाइड स्टैंडर्ड थ्रेड UST का भी हमारा 60 एंगल होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं उनके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको नोट अपने जरूर करिएगा अपने कॉपी में या जहाँ भी आप अपने नोट्स बनाते हैं। ठीक है, अगला टाइप हम इसका पढ़ लेते हैं, बटरेस थ्रेड। ठीक है, बटरेस थ्रेड किसे कहते हैं, तो इसका डायग्राम के थ्रू हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। ये थ्रेड हमारा कुछ इस आकार का होता है, तो इस तरह से हमारा ये थ्रेड होता है जिसके जो हमारे एंगल होता है, यहाँ पे हमारा जो एंगल होता है वो हमारा 45 डिग्री होता है। तो बटरेस थ्रेड हमारा स्क्वायर थ्रेड और वी टाइप थ्रेड को कॉम्बिनेशन है। इसी तरह यहाँ पे हमारा अगला जो एक और थ्रेड का टाइप होता है उसको हम कहते हैं नकल थ्रेड। तो नकल थ्रेड हमारा कुछ इस टाइप का होता है हमारा, जो कि आपके दैनिक जीवन में आपने कितने बार इसको देखा होगा हमारे सिरेमिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि हमारे प्लास्टिक की बोटल्स हो गई, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल हो गई, तो उस टाइप में उस बोटल्स में या सिरेमिक प्रोडक्ट्स में हमारे इस टाइप के थ्रेडों का यूज करा जाता है। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं और हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर ऑफ थ्रेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक थ्रेड का डायग्राम बना के रखा है जिसके जरिए मैं इसके कुछ पॉइंट्स हो वो दिखाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थ्रेड बनाया, जिस ये हमारा थ्रेड का सैंक है, यहाँ पे मैं थ्रेड का सैंक है, तो जो थ्रेड के हमारा सबसे ऊपरी पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पीक, और उसी से जुड़ा वो जो हमारा नीचर लोअर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं रूट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उसके पिच के बारे में, मेजर डाया और माइनर डाया के बारे में। ठीक है, तो मेजर डाया हम किसको कहते हैं, हमारे रूट के रेडियल स्पेस को हम क्या कहते हैं, माइनर डाया। जो हमारा रूट होता है उसकी रेडियल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, माइनर डाया। इसी तरह सॉरी ये माइनर डाया है, रूट की रेडियल डिस्टेंस इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी पीक की रेडियल डिस्टेंस हो जाएगी उसको हम मेजर डाया कहेंगे। पीक की रेडियल डिस्टेंस क्या कहलाती है हमारी, मेजर डाया। अब बात आती है पिच किसे कहते हैं, तो पिच या तो हम कह लें दो क्रमशः दो हमारे पीक की आप डिस्टेंस ले लें, दो पीक के बीच की दूरी ले लें, या फिर हम दो रूट के बीच की दूरी ले लें, दो रूट के बीच की दूरी ले लें, तो ये दोनों में क्या कहलाती है, पिच। ठीक है, अब हम बात आती है कि लीड किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपकी लीड जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको लीड निकालने को बोल देता है, लीड किसे कहते हैं, तो लीड हमारे पिच, लीड पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट पॉइंट को हम थ्रेड कहते हैं, लीड कहते हैं। ठीक है,
तो लीड का हमारा प्रॉफिट क्या होता है वो भी जान लेते हैं हम। तो आप उसको नोट डाल के भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो मल्टी स्टार्ट पॉइंट होता है, जिस थ्रेड में हमारे मल्टी स्टार्टेड पॉइंट होते हैं, उसमें हमारा जो नट की होती है असेंबली बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, अब हम बोल्ट की बात कर लेते हैं। तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं। हम टाइप्स ऑफ बोल्ट की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जैसे कि तीन डायग्राम बना कर रखे हैं, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे बोल्ट के तीन टाइप हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला इसका जो टाइप होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं थ्रूब बोल्ट। ठीक है, तो थ्रूब बोल्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, हम किसी भी दो प्लेट को जोड़ने के लिए, टेम्परेरी कनेक्ट करने के लिए, जिसमें कि हमारा थ्रूब होल होगा, वहाँ पे हम थ्रूब बोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो क्या है हमारा, टैप बोल्ट। ठीक है, तो टैप बोल्ट का यूज हम कहाँ कहते हैं, जिस प्लेट में हम टैप बोल्ट का यूज करते हैं उसमें हमारा थ्रूब होल नहीं होगा, तो वहां पे हम टैप बोल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड जो टाइप होगा इसका उसको हम कहते हैं स्टड बोल्ट। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में दिख रहा है कि स्टड बोल्ट में हमारे दोनों सिरों में हमारे इसकी चूड़ियां बनी होती हैं, थ्रेडें जो होती हैं कटी होती हैं, और बीच में हमारा इसका स्क्वायर सैंक होता है। ठीक है, तो स्टड बोल्ट में हमारा कोई भी इसका हेड नहीं होता है, इसमें दोनों साइड में हमारी चूड़ियां कटी होती हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम उस स्थान पे करते हैं जहाँ पे हमारे किसी भी चीज को बीच में स्पेस चाहिए होता है और दो प्लेट को आपस में जोड़ना होता है। जो ये सैंक होता है ये हमारा व्रेंच को होल्ड कर लेता है, ये जो सैंक होगा हमारा ये हमारे व्रेंच को होल्ड कर लेता है। ठीक है, जिससे कि आसानी से पकड़ मिल जाती किसी भी दो प्लेट या दो ऑब्जेक्ट को बांधने में। ठीक है, तो ये बात हो गई टाइप ऑफ बोल्ट की। अब हम इसके राइट हैंड साइड बोल्ट और लेफ्ट हैंड साइड बोल्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ थ्रेड अकॉर्डिंग टू एडवांसिंग। पहला इसमें आता है राइट हैंड थ्रेड। तो बहुत ही सिंपल है हमारा राइट हैंड थ्रेड। हम यदि बोल्ट या एडवांसिंग थ्रेड को हम राइट हैंड थंब से राइट साइड यानी क्लॉक वाइज घुमाने की कोशिश करते हैं या घुमाते हैं तो वो हमारा राइट हैंड थ्रेड कहलाता है। इसी तरह इसी के जस्ट अपोजिट हमारा यदि बोल्ट को या थ्रेड एडवांसिंग को हम लेफ्ट हैंड के थंब से एंटी क्लॉक वाइज घुमाने की कोशिश करें तो वो थ्रेड हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। ठीक है, इसी तरह अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एडवांटेज ऑफ थ्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। थ्रेडेड जो ज्वाइंट होते हैं हमारे बहुत ही डिचेबल ज्वाइंट होते हैं। इनको हमारा खोलना या बंद करना यानी जोड़ना और खोलना बहुत ही आसान होता है। सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं, लेस थ्रेड इज रिक्वायर्ड टाइट ज्वाइंट बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफर्ड बाय स्पैनर। ठीक है, अगर यहीं पे हम डिसएडवांटेज की इसकी बात करें तो थ्रेडेड ज्वाइंट पार्ट आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर टू होल विच केसेस टू फेलियर ऑफ ज्वाइंट पार्ट। जो हमारे बोल्ट का होल होते हैं जहाँ से हमारा ज्वाइंट होता है तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर उस पार्ट्स का हमारा लोड अप्लाई हो रहा है या हमारा वाइब्रेशन अप्लाई हो रहा है तो उस जगह पे हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है जिससे कि हमारे फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो अगला टाइप है, अगला जो हम बताने वाले स्पेसिफिकेशन ऑफ थ्रेड के बारे में, तो उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ थ्रेड के बारे में। तो ऐसे जैसे आपके कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, यहाँ पे जैसे हमने दे रखा है M26C, तब इनका मतलब ही हम नहीं जानते कि ये क्या दे रखा है।
ठीक है, जहाँ कि जैसे कि यहाँ पे मैं एम का मतलब है मैट्रिक, ठीक है, 20 जो ले रखा है वो है हमारा मेजर डायम, मेजर डायम, ठीक है। इसी तरह जो हमारा 6 दे रखा है वो हमारी पिच कहलाती है, और यहाँ पे हमें जो लास्ट नंबर होगा ये हमारे 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है, सी एम एफ। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें सी लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है, इसको कोर्स कहेंगे, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे एम दे रखा होता तो हम मीडियम कहते हैं, एफ दे रखा होता तो हम इसे फाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे सिंगल स्टार थ्रेड के बारे में। अब अगर हम मल्टी स्टार थ्रेड देखें, मल्टी स्टार थ्रेड के बारे में बात करें, तो हमारा जैसे यहाँ पे एस क्यू दे रखा है तो एस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, 20 जो दे रखा है वो हमारा हो जाएगा मेजर डायम, मेजर डायम, ठीक है। 6 जो दे रखा है वो कहलाएगी हमारी लीड, एंड इसका जो लास्ट 2 दे रखा है ये हमारा क्या कहलाएगा, पिच। तो इसी तरह से हमारा आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और आपका कुछ भी इसमें पूछ जाएगा एग्जाम में कि एस क्यू को हम क्या कहते हैं, या जो हमारा क्वेश्चन में 20 दे रखा है वो हमारा क्या होगा। तो अगर आपको ये हमने समझा दिया है तो अब आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लिफ्टिंग ऑफ थ्रेड और लोवरिंग ऑफ थ्रेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।